भैया पूरी रोड की रोड नीचे गई हुई है। हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद एमी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू? सो आप अभी तक देखकर समझ ही चुके होंगे कि मैं जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रैक, वैली ऑफ फ्लावर्स। यस, सो आई हैव रीच्ड द पॉइंट जहाँ से ये पैदल जो ट्रैक है वो स्टार्ट होती है, पुलना। सो दोस्तों पहले मैं आपको बता देती हूँ पुलना तक पहुँचना कैसे है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पहुँचना है ऋषिकेश। अगर आप आ रहे हैं विद वाया रोड और बस और वाया ट्रेन, तो आपको ऋषिकेश में उतरना है। ऋषिकेश का बस स्टैंड है, ऋषिकेश में ट्रेन भी आती है। बट अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा देहरादून। सो देहरादून से आपको डायरेक्ट जोशीमठ की बस मिल जाएगी एंड ऋषिकेश से भी आपको जोशीमठ की बस मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पहुँचना है जोशीमठ। सो जोशीमठ का जो रास्ता है ऋषिकेश से जोशीमठ का, वो अराउंड 6 से 7 घंटे का रास्ता है नॉर्मली अगर हम बात करें। बट बिकॉज़ ये ट्रैक मानसूनस में ही होती है और मानसून में जो लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती है उत्तराखंड के अंदर, तो रास्ते में आपको काफ़ी सारी जगह लैंडस्लाइड मिल सकती है। वैसे आप बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ गुजरेंगे, पूरे बादलों के बीच में से आप निकलते हुए आएंगे जोशीमठ तक। बहुत ही सुंदर लैंडस्केप आपको देखने के में मिलेंगे। बट साथ में थोड़ा बहुत ये रूट का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करना पड़ेगा। हमारे साथ भी यही हुआ। वी रीच अराउंड 9:30 इन दी नाइट और हम लोग सुबह 8:30 बजे ऋषिकेश से निकल गए थे, तो हमें 13 घंटे लगे पहुँचने में। बिकॉज कई जगह पे हमें फ्रेश लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिली एंड हमें वहाँ पे रुकना पड़ा, 2-3 घंटे होल्ड करना पड़ा जब तक जेसीबी वो क्लियर ऑफ करे। एंड आपको रास्ते में काफ़ी सारी जगह जेसीबी मिल जाएंगी जो लगातार रूट को क्लियर कर रही हैं, बट उसके बाद भी थोड़ा ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा बिकॉज रूट नैरो हो चुकी है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। बट वंस यू रीच जोशीमठ इट इज़ ऑल वर्थ इट। सुबह हम लोग उठे एकदम क्लाउडी था मौसम, इट्स वॉज अमेजिंग ब्यूटिफुल। सो जब आप जोशीमठ पहुँच जाते हैं, जोशीमठ में आपको काफ़ी सारे स्टेज के ऑप्शन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप वहीं पे स्टे कर लें बिकॉज सो दैट आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप आगे आना चाहते हो तो आप पुलना में भी स्टेज आपको मिल जाएंगे रहने के लिए, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। नहीं तो आप जिस दिन आप ट्रैक कर रहे हैं उस दिन आप पुलना के लिए वहाँ से टैक्सी मिलती है, शेयर टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी, जैसा आपको सूट करे आप वो ले सकते हैं एंड पुलना पहुँच सकते हैं। एंड उसके बाद आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा, यहाँ पे बह रही है हमारी गंगा नदी, ये है पार्किंग। तो यहाँ पे अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं आप यहाँ पे अपना व्हीकल भी पार्क कर सकते हैं एंड यहाँ से आप आपका ये ट्रैक जो खूबसूरत सा ट्रैक है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। सो दोस्तों आप जानते ही हैं, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ट्रैक है ये 2 दिन का है, आप 1 दिन में नहीं पहुँच सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। तो पहले दिन का ट्रैक जो आज का हमारा ट्रैक है, हम लोग जाएंगे घांगरिया विलेज जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक है। घांगरिया विलेज पहुंचने के बाद हम वहाँ पे स्टे करेंगे। विलेज है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे स्टे के ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, एक एवरेज काइंड ऑफ एकोमोडेशन आपको मिल जाएगी, बाकी खाना पीना जो नॉर्मली होता है वो। एंड देन कल की जो हमारी सेकेंड डे की ट्रैक है वो होगी वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। बिकॉज वैली ऑफ फ्लावर्स में ऊपर रुकना मना है, तो हम लोग सेम डे आकर ऊपर अप एंड डाउन करेंगे। सो वो चलिए कल उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ से ट्रैक की शुरुआत करते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हुए चलते हैं कि कैसा रास्ता है, कितनी डिफ़िकल्ट है ट्रैक, क्या क्या अमेजिंग लैंडस्केप आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेट्स गो। सो यहाँ से अभी हमें 4 किलोमीटर और आगे ये छोटी गाड़ी लेके जाएगी एंड इस हेलो So she is my sister Soumya, ये भी मेरे साथ आई है ट्रैक पे एंड इट्स आवर फर्स्ट ट्रैक। Yeah, I'm really scared. So अभी हम लोग इस गाड़ी से आगे और जाएंगे 4 किलोमीटर। तो ये पॉइंट नहीं है ट्रैक का, आई थॉट कि यहीं पे से ट्रैक स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हमें पैदल जाना है एंड ये टैक्सीज आपको यहीं पे छोड़ देंगी। तो ये शेयर टैक्सीज है, ये आप कर सकते हो 50 रुपीज़ पर पर्सन दे चार्ज एंड ये आपको छोड़ देती है। अपने बैग्स भी आप पोर्टर को दे सकते हो, तो दे आर सेइंग 1500 रुपीज़ बट दे विल बार्गेन और उसमें वो 2 से 3 बड़े बैग दे कैन ईजिली कैरी लाइक दिस। सो लेट्स गो। Super excited. Yay! So look guys, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई है, पूरी रोड की रोड नीचे गई हुई है। So you have to be very careful और कभी भी आप इस साइड मत चलो, हमेशा
जिधर हिल है ना इस साइड चलो, बी सेफ एंड बी रिस्पॉन्सिबल। फोटोज वगैरह के चक्कर में कभी भी डोंट गो दिस साइड, स्पेशली इन मॉनसून्स। मॉनसून में क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। रेस्ट इज़ ऑल गुड सो फार। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा चलने के बाद अराउंड 200-300 मीटर यू हैव टू डू दिस रजिस्ट्रेशन ओवर देयर। तो यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं आपसे, आपका नाम फ़ोन नंबर लेते हैं एंड आपकी एज पूछते हैं। जस्ट वो रूटीन एक चेकअप है, बट मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए तो दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड देन दे विल गिव यू दिस एंट्री बैंड। सो अब बढ़ते हैं आगे, अभी तो हम कुछ भी नहीं चले हैं, लेट्स गो। सो इस तरह से ये छोटी छोटी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ आपको ये बेसिक चाय, दूध, कॉफ़ी, पराठा, मैगी वगैरह मिल जाएगी खाने के लिए। तो ये मिडवे, अभी हम लोग आए होंगे 1 किलोमीटर आ गए होंगे, ऐसा लग रहा है कि 10 आ गए पर कम ही आए हैं। ऑल दो यहाँ पे किलोमीटर वगैरह कहीं लिखे हुए नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं लिखा दिखा है, बट इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एंड पूरा ऊपर क्लाउडी है एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड लुक हाउ पीपल आर मोटिवेटेड अनलाइक मी। No, no, we are motivated. We are also very motivated. Yes, we are very motivated. And we are really excited to go Valley of Flowers. But it's really amazing. Yes, it's amazing. Because जितनी भी थकान है पर ये जो साथ में लैंडस्केप्स है ना इतने सुंदर सुंदर, ये मज़ा दिला देते हैं, मतलब रास्ते की खूबसूरती यही है। सो अभी हम लोग आए थे ऊपर चढ़े इतना स्टीप, अब एकदम स्टीप नीचे जाना है, तो ये पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा लगता है गांगरिया तक पहुंचने का स्टार्टिंग का पार्ट ऐसा ही है कि पहले आप बहुत ऊपर चढ़ते हो फिर बहुत मतलब यही है अप डाउन यस बिकॉज जब आप एकदम स्टीप चढ़ते हो, पर ये नीचे जाने में भी काफ़ी प्रेशर लग रहा है। अगर स्ट्रेट हो ना पाथवे देन इट्स ईजी, बट एकदम से नीचे जाना यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ बैक सो दैट आप नीचे ना चले जाओ एंड यू आर ऑलरेडी टायर्ड ऊपर चढ़ने के बाद, सो इट्स बिट ट्रिकी। यहाँ पे ये चढ़ते टाइम ही उतरने की प्रैक्टिस करा देंगे। सो वी हैव रीच जंगल चट्टी एंड यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर है 12 किलोमीटर। सो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं बिकॉज टोटल ये ट्रैक है घंगरिया तक का 10 किलोमीटर्स का। क्रॉसिंग दिस ब्यूटिफुल ब्रिज, ओ माई गॉड, अब तक का सबसे इंक्रेडिबल व्यू था ये, मतलब सच में गूज बम्स आ गए, इट वॉज अमेजिंग। यू लाइक इट? ओह, आई लव्ड इट। सो वी गॉट आवर लंच पैक फ्रॉम आवर होटल और हमने नीचे मैगी वगैरह भी खा लिया था, वहीं पे खड़े रहो सच में। एंड नाउ वी आर हैविंग आवर लंच, लेट्स सी इसमें क्या क्या है। सो इट्स अ बिस्किट, then oh we got 5-star yeah. okay so we have these parathas this and pretty good sabzi. considering ki hame ye kahan pe mil raha hai right so let me tell you how it tastes I don't actually care how it tastes it's good yes it's amazing aur samne nadi beh rahi hai abhi ye thoda sa pedon ke se chup raha hai aur ye clouds dekho aap oh my god So our lunch view is super super amazing and lunch is okay too. So we are really having the best times of our life right now. So अभी lunch करने के बाद हम लोग बढ़े हैं आगे और इस ब्रिज के बाद बचा है 4 किलोमीटर्स, तो आई थिंक 2-2.5 घंटे मैक्सिमम और लगेंगे। अभी 3:30 बज चुके हैं
सुबह हम लोगों ने 10:30 बजे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो आई थिंक 6 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी लेट्स सी, बट लुक एट दिस व्यू, ओह माय गॉड, ब्रेथ टेकिंग गाइस, एवरी इंच ऑफ दिस प्लेस इज सुपर सुपर ब्यूटिफुल। सो अभी लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैक और बची है एंड रास्ता मैं बोलूँगी पूरा लश ग्रीन है, पूरा लश ग्रीनरी है पूरे रास्ते में। तो जो रूट है वो वाकई में बहुत बहुत सुंदर है, बट अब जो चढ़ाई है ना, एक्चुअली में जो लास्ट के 4 किलोमीटर की चढ़ाई है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सिर्फ स्टीप स्टीप है। ये देखिए अब पूरा ऐसे स्टीप स्टीप ही चढ़ना है आपको, सो इट्स बिट ट्रिकी। बट सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर मुझे क्या लगी, बिकॉज हेमकुंड साहिब के लिए भी यहाँ से यात्री जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे इतनी पौनी नहीं है इस रास्ते में। पौनी मिलेंगी आपको बट कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो रास्ता बहुत क्लीन है। जैसे केदारनाथ और वैष्णो देवी के रास्ते में पौनीज आपको बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए रास्ता भी साफ़ है, इतना जगह जगह पर गंदगी नहीं फैली हुई है। सो उस हिसाब से रूट बहुत अच्छा है एंड बहुत इंजॉयबल रूट है एंड रियली अमेजिंग। बट बिकॉज वी आर नॉट ट्रैकर्स, वी आर फेसिंग इशूज, बट दैट्स ओके। या इशूज लाइक टायर्डनेस, बिकॉज अब काफ़ी देर हो गई, हम लगभग 7 किलोमीटर आ गए हैं यार, अब सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है, ये लेट्स गो। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. हमारे देखते ही देखते पूरी जगह पीछे क्लाउड से गिर गई है। अभी हम लोग आ रहे थे, पिक्चर वगैरह क्लिक करा रहे थे, बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं थे, हल्के हल्के क्लाउड्स थे एंड अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, पूरा क्लाउड से घिर चुका है विद इन 5 मिनट्स। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, यू एंड मी, meant to be in the great outdoors, forever free. So we have reached finally. मैं अभी बैठी हुई हूँ अपने होटल के बाहर, गुरु प्रसाद होटल का नाम है। सो तो हमें, मैंने आपको बोला था 6 बजे जाएंगे बट 6:15 बजे हम लोग पहुँचे, बट फिर भी लकली टाइम से पहुँच गए। हम लोग 10:30 से निकले थे तो हमें लगभग 8 घंटे लग गए पहुँचने में, बट हम लोग आराम से रुकते रुकाते आए हैं, पूरा इंजॉय करते हुए। जितनी भी वादियाँ आती हैं इट वॉज रियली रियली अमेजिंग। अभी लाइट नहीं है, नहीं तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ। इट्स अ बेसिक रूम, ट्रिपल शेयरिंग, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली आपको बेड 4 शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग इसी आई पी मिलेंगे, डबल शेयरिंग बहुत कम है यहाँ पे, थोड़े इन्होंने बड़े बड़े रूम्स बनाए हुए हैं सो दैट दे कैन अकोमोडेट मोर पीपल एंड बिकॉज यात्री वगैरह भी आते हैं। सो अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बहुत डीपली मैंने आपको दिखाया है पूरा रास्ता एंड एवरीथिंग। सो वैली ऑफ फ्लावर की वीडियो हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।